नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए है कि आजकल हमारे दुनिया में बहुत ही स्कैम हो रहे हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सो इस सिचुएशन में आप कैसे इन स्कैम से बच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में। तो इसीलिए गाइस, आप अभी अभी जो मेरे साथ हाल ही में स्कैम हुआ है, आप उसको ज़रा सुनिए। ये मतलब फिर कंपनी मुझसे क्यों पैसे मांग रही है? जी जी, कंपनी आपको एक गाड़ी का पैसे नहीं ले रही सर, एक गाड़ी का पैसे नहीं ले गाड़ी रही है। गाड़ी का नहीं ले रही है, मतलब फिर वो प्रमाण पत्र का भी क्यों ले रही है? क्योंकि कुछ पहले मेरे भैया जी भी जीते थे, वो विजेता हुए थे, उनको सेंट्रो कार मिली, उनसे तो पैसे नहीं मांगा। जी जी, तो पैसे नहीं मांगे सर, तो जो बात है पैसे नहीं मांगे होंगे आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको जो सर मैं बोल रहा हूँ, आपको ये प्राइस ले रहे हैं सर, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज तो आपको करानी होगी सर। रजिस्ट्रेशन चार्ज से जो बिना सर्किट टिकट होके होगी, पेपर आप के साथ ये यहाँ पे हम नौकरी थोड़ी ना ले रहे हैं जो हम रजिस्ट्रेशन चार्ज कराएंगे। देखिए सर, नौकरी नहीं ले रहे हैं, गाड़ी का बिनर सर्किट टिकट विजेता प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं सर, ताकि ये पेपर बनेगी। रास्ते में आपको ये गाड़ी ड्राइवर के लेकर पेपर जाएंगे, तो रास्ते में कितने बॉर्डर पड़ेंगे सर, तो ताकि कोई परेशानी ना हो सर। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? आपका नाम मेरा आपको बताया गया ना सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राहुल कुमार वर्मा। अच्छा, एक बात बताइए राहुल कुमार जी, अभी तक कितने को ठगे हैं? जी सर, अभी तक कितने को ठगे हैं? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं सर, आपको बात करने का ढंग नहीं है सर। नहीं, एक बार बताइए ना। अरे वही बोल रहे हैं, आपको बात करने का ढंग नहीं है सर, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी तक कितने को ठगे हैं, क्यों करते हैं ये चीजें? आपको प्राइस लेना है या नहीं लेना, ये स्लो का आप जवाब दीजिए। आप जैसी बात कर रहे हैं सर, आपको जो बताया जा रहा है, प्राइस लेना चाहते हैं या नहीं? अच्छा, हमें प्राइस दीजिए फिर, अगर देना है तो एड्रेस भेज देते हैं, गाड़ी भेज दीजिए। आपको जो बताया गया सर, जो आपको आप इतना आपको प्रूफ आप व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको यहाँ से बिना सर्किट टिकट क्लियर होगी, तो आपको यहाँ से कंटेनर में गाड़ी लोड होगी सर। अच्छा, कंटेनर में क्यों क्यों इतना ठगते क्यों है, मतलब लोगों को? यही चीज गलत है ना, ये दूसरे। देखा दोस्तों, इसने कितना प्रिटेंड किया कि मैं गलत हूँ और वो सही है, ये एक ऑफर वाला है, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। लेकिन गाइस, मुझे पता था, तो मैंने इसकी उल्टी फिरकी ले ली और उसके बहुत ही प्रैंक मैंने बना दिया, और कहीं ना कहीं उसको भी हंसी आ रही थी जब मैं ये बात पूछ रहा था उससे। सो गाइस, इस चीज़ों से अलर्ट रहिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज, फ्रॉड कॉल या कुछ आता है और आपसे IFSC कोड वगैरह कुछ भी मांगता है, या फिर आपको बोलता है कि मुझे इतने पैसे दो फिर जाके दूंगा, क्योंकि अगर किसी को ऑफर देना होगा तो वो डायरेक्ट देगा, वैसे क्यों बोलेगा कि आप थोड़ी देर रुको, उसके बाद जिसको ऑफर देना वो डायरेक्ट बोलेगा कि लो आप जाओ, आपके एड्रेस पे मैं कार भेज रहा हूँ, आप एड्रेस दो, बस खत्म कहानी। तो इतना कुछ क्यों करेगा? सो इससे आप समझिए कि ये एक स्कैम है, ये आपको फंसाने का तरीका है, सो इसमें आप ना फंसिए। सो अभी के लिए गाइस इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, और आजकल ज़्यादातर लोग स्कैम में फंस रहे हैं, उनको अवेयर करवाओ इन चीज़ों से कि जो किसी को अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब चीज़ देना गलत होता है। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।